गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीनियर मैनेजर राकेश कुमार, मीथर नेक्सराइज ITES। दोस्तों, आज का मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमारे को ट्रेडबिट एक्सचेंज के ऊपर आईडी कैसे क्रिएट करनी है और आईडी क्रिएट करके उसको कैसे हमारे को उसमें KYC करना है और कैसे उसको वेरीफाई करना है, और KYC होने के बाद कहाँ से हमने कैसे उसका जो एड्रेस है वो वॉलेट एड्रेस लेके, और हमने जो KYC अपने मीथर नेक्सराइज न्यू बैक ऑफिस में जो KYC की थी वहाँ पे कैसे उस वॉलेट एड्रेस को हमने पेस्ट करना है। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जैसे जैसे वीडियो में कार्रवाई की गई है वैसे वैसे कार्रवाई करके ट्रेडबिट आईडी पे अपना अकाउंट, ट्रेडबिट आईडी बनाएं अपनी, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और उसको वेरीफाई करके वहाँ से वॉलेट एड्रेस लेके अपने जो न्यू बैक ऑफिस है मीथर नेक्सराइज MCoin का जो न्यू बैक ऑफिस है वहाँ पर जाके उसको वॉलेट एड्रेस में कैसे पेस्ट करें, ताकि आप लोग आसानी से अपने कॉइन को विड्रॉल कर सकें और कॉइन को विड्रॉल करके ट्रेडबिट एक्सचेंज के ऊपर ले जाके वहाँ पे होल्ड कर सकें तथा वहाँ पे ट्रेड कर सकें या वहाँ पे आप उसको स्टेकिंग में भी द्वारा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कृपया ध्यान दे के इस वीडियो को देखें। तो इससे पहले मैं शुरू करूं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा या बुरा कैसा बना है उसके बारे में ना तो कोई कमेंट आता है, ना ही कोई लाइक करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो, तो आप वीडियो देखते हो और बाद में वीडियो देख के चल पड़ते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कमेंट करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और मैं ऐसे ही अगर दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं तो उनका भी आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आप उसका फ़ायदा उठाते रहें और हर जो अपडेशन होती है उसके साथ आप खुद को अपडेट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो हमारे को ट्रेडबिट आईडी बनानी है उसका लिंक हमने कहाँ से देना है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और वो आप उसको क्रोम के ऊपर या गूगल के ऊपर खोल सकते हैं, क्रोम के ऊपर खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको क्रोम के ऊपर ट्रेडबिट IO करके एक लिंक है, वैसे भी वहाँ से कर सकते हो, या तो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और क्रोम में अपनी उस लिंक को ओपन करके आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले से एक ट्रेडबिट की एक्सचेंज का वो इंस्टॉल की है, तो वो मैं आपको उसमें उसके ऊपर अभी आईडी क्रिएट करने के बारे में बताता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस जो हमारी ऐप है इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास इस प्रकार का ही खुल के आता है। तो सबसे पहले हमने क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो लॉगिन के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया, ये लॉगिन के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, ठीक है, तो क्लिक करते हमारे पास कुछ इस प्रकार का खुल के आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये ईमेल, आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ पे हमारे को इसको पहले डालना है। तो जैसे कि मेरा पुराने एक ईमेल पे हमारा मेरे ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वो आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक नए तरीके से इसको नए दूसरे किसी उसके करके दिखाता हूँ। तो जैसे मेरे पास एक दूसरी आईडी है, दूसरा वो है, तो उस पर मैंने अभी इसको क्लिक किया। आपको वहाँ पे अपना मेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन डालनी पड़ेगी। आपके मेल के ऊपर भी आपको यहाँ से मैसेज आएगा, तो वो आपको मेल के ऊपर से OTP लेना है, वो हमारे को यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 4:21 पे वेरिफिकेशन आया है, तो वेरिफिकेशन OTP आया है, तो इसको हमारे को ये
लगाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे को गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, हमारे को हमने पहले जब हम आईडी बनाएंगे, उसको आईडी क्रिएट करेंगे तो वहाँ से ले लेंगे हम, जब हम आईडी बनाएंगे तो ये सेटिंग में उसमें हमारे को गूगल ऑथेंटिकेटर इसमें कोड में इसको हमारे को इसमें भी रजिस्टर करना पड़ेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मेरी दूसरी आईडी है उसका मेरे पास बना हुआ है, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट अभी वहाँ से अपना जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वहाँ से मैं इसका ओटीपी लगाऊंगा। तो दोस्तों जैसे मैंने वो ओटीपी लगाया तो हमारे पास इस प्रकार का ये खुल के आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अभी हमारे को इसका केवाईसी करना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसे कि इसमें मेरा पुराना अकाउंट शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा जो आईडी नंबर है वो लिखा हुआ आ रहा है, और ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये मेरा आईडी नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि ये मेरे पहले की आईडी क्रिएट है तो वहाँ पे मैंने केवाईसी कर रखी है, हर चीज़ कर रखी है, तो इस वजह से ये यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट आ रहा है, पूरा मेरे दूसरे मेल आईडी का ये दिखा रहा है, दूसरे अकाउंट को शो कर रहा है। लेकिन आप जब इसमें नया करेंगे, अपना इसमें मेल आईडी डालेंगे और अपना केवाईसी मेल आईडी डालेंगे, मेल आईडी खोलने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। आप मेल आईडी डालोगे, उसमें पासवर्ड डालोगे तो आपके पास इस प्रकार का आपके पास खुल के आ जाएगा। उसके बाद फिर आपकी प्रोफाइल पे ये जो केवाईसी वाला हमारा जो कॉलम है, ये जो केवाईसी वाला हमारा कॉलम है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पे यहाँ पे वेरीफाइड नहीं होगा, ठीक है सर। तो ये हमारे पास ये वेरीफाई नहीं होगा तो हमारे को केवाईसी पे क्लिक करना पड़ेगा। ये यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग दिखाएगा, तो केवाईसी पेंडिंग दिखाएगा, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास ये डिटेल मांगेगा। ये देखो क्या क्या डिटेल मांगेगा, तो बेसिक ये हमारे पास वेरीफाइड हो रखा है, बेसिक फीचर है इसमें क्रिप्टो डिपॉजिट वाला वो हमारे पास हो रखा है। अभी क्रिप्टो विड्रॉल का हमारे पास इसमें $50 का हम डेली कर सकते हैं, वो अभी नहीं है। क्या क्या इसमें आगे ऑप्शन हैं, क्या हैं वो इसमें वेरीफाइड जो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो ये हो चुकी हैं दोस्तों। तो इसमें केवाईसी जैसे मेरा हो चुका है तो इसमें ये सारी चीज़ें एनेबल हो चुकी हैं मेरे पास, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें मेरे पास एनेबल हो चुकी हैं केवाईसी करने के तुरंत बाद, ठीक है। तो केवाईसी के लिए जब आप यहाँ पे केवाईसी के लिए जब अपने ये पेंडिंग दिखाएगा उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो फिर ये आपसे आधार कार्ड मांगेगा, आपकी पूरी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और जो भी है मतलब इनकम सोर्स और क्या है, पैन कार्ड नंबर आपका, वो सारी डिटेल मांगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आपकी आधार कार्ड की कॉपी अपलोड होगी और इसमें भी आपके वो सेल्फी अपलोड होगी। तो सेम प्रोसेस से तकरीबन ये हमारा जो मिथर नेक्सराइज ITES है उसी की, तो इसका जो सेम प्रोसेस है वो मिथर ITES में जो हमारा न्यू बैक ऑफिस में, उस न्यू बैक ऑफिस है उसमें जैसे हमने KYC की थी, सेम उसी का ही तकरीबन इसमें सारा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, पैन कार्ड मांगेगा, आपका अकाउंट डिटेल मांगेगा, तो वो सब जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स वो वेरीफाई होके आपके पास उसका मतलब वो आ जाएगा, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा कि आपका मतलब सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आपकी केवाईसी वेरीफाइड हो जाती है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, जैसे मेरी केवाईसी यहाँ पे वेरीफाइड दिखा रही है, ठीक है दोस्तों, ये मेरे वाली केवाईसी जैसे यहाँ पे वेरीफाइड दिखा रही है, फिर आपका वो सेम ऐसे यहाँ पे वेरीफाइड दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये केवाईसी वेरीफाई होने के बाद फिर आपका जो अभी यहाँ के जो हमारे को ढूंढना है, अभी यहाँ पे जो वॉलेट एड्रेस है उसको हमारे को ढूंढना है। तो वॉलेट एड्रेस को ढूंढने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो क्रिप्टो डिपॉजिट वाला था ये वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा ये प्रीव्यू एक पेज खुल के आता है। तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर जो USDT लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है दोस्तों, ये जो आपको USDT लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे को क्लिक करना है।
ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर जो एरो है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे अपना नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा नेटवर्क है, M20 चेन, तो M20 यानी कि एम कॉइन, तो एम कॉइन के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे इसको। इसको एम कॉइन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास एक ये जनरेट होके यहाँ पे आ चुका है, एक एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो अभी हमने इसको क्या करना है, ये जो ये वाला हमारे पास ये एक बना हुआ है, ये कॉपी का बना हुआ है, तो इसके ऊपर हमारे को क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लिंक जो है हमारा कॉपीड हो चुका है। तो यहाँ से हमने वापस जाना है, सेंटर से काट के वापस जा सकते हैं दोबारा, और वहाँ पे हमने अपनी अभी आईडी को ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी मित्र आईडीएस की जो हमारी जो न्यू बैक ऑफिस में जो आईडी बनी है उसको हमारे को ओपन करना है, जो आपने अभी हाल ही में केवाईसी की है, जो मैं केवाईसी का वीडियो बताया था उसको देख के आपने जो केवाईसी की है उस आपने उस प्रोफाइल को आपने दोबारा उस आईडी को आपने ओपन करना है। तो जैसे ही देख आप देख सकते हैं ये सक्सेस हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। इसके बाद मैं अपनी आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पे, आईडी डालते ही हमारे पास आईडी ओपन होगी, ये ओटीपी गूगल ऑथेंटिकेटर कोड मांग रहा है, वो डालेंगे हम यहाँ पे, उसको डालते ही गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालते ही हमारी आईडी ओपन हो जाएगी। तो ये इसको हमने लॉन्ग प्रेस किया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो पेस्ट करते ही कंफर्म किया, और ये देखिए कंफर्म हो चुका है। कंफर्म होने के बाद हमारी आईडी खुल चुकी है। उसके बाद मैंने बताया था टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तीन लाइन है, तीन लाइन के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद हमने कहाँ जाना फिर दोस्तों, हमने यहाँ पे क्लिक करना है फिर माई अकाउंट पे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं माई अकाउंट लिखा है, तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इस पे जब क्लिक करेंगे तो फिर ये हमारे से ओटीपी मांगेगा। तो अभी ये मेल ओटीपी मांगेगा, उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर वाला ओटीपी मांगेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना, अपना मेल का ओटीपी लगाना है, मेल में जाना है, मेल से ओटीपी लेना है, अभी जो लेटेस्ट आया है। ठीक है, ये देखिए 4:40 पे, तो ये 4:40 पे, हाँ जी 4:05 अभी यहाँ से हमने गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालना है, जो हमने ट्रेडबिट का जब हम बनाएंगे तो ट्रेडबिट 2FA वेरिफिकेशन के लिए ये ट्रेडबिट का भी हमारे को गूगल ऑथेंटिकेटर में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने उसका अपने आईडी का किया था। ठीक है, ऐड में जाके और ट्रेडबिट लिखना है ऊपर, आपको एक आईडी या अपने अकाउंट का लिखना है ऊपर, जो भी वट एवर आपका आईडी है, आपकी मित्र की आईडी है, उसी का आपने सेम लिखना है और उसके बाद आपने ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐड करते आपका ट्रेडबिट करके वहाँ पर शो हो जाएगा। तो अकाउंट के बाद आपने आगे ट्रेडबिट पक्का लिखना है ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मेरा ट्रेडबिट वाला गूगल ऑथेंटिकेटर है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम उसका ट्रेडबिट का वो डालेंगे तो वो भी हमारे को बाकी सेम दूसरी आईडियों की ओटीपी की तरह उसके ऊपर भी हमारे पास ओटीपी चलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ट्रेडबिट का जैसे मैंने लगाया, एरर आ रहा, मैंने शायद गलत लगा दिया ये ओटीपी। अभी चेंज होने वाला है तो दूसरा ओटीपी आएगा वो लगाएंगे हम। ऑथेंटिकेटर कोड, ओके, एक गलत ओटीपी लग रहा है तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो जब भी मैं, क्योंकि मेरे पास आईडियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं, तो आपने जब भी लगाना है ध्यान से लगाना है। तो अभी ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। तो जैसे ये सक्सेसफुल हो गया तो हमारे पास ये वाला पेज खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अभी आप देख सकते हैं वॉलेट एड्रेस, तो वॉलेट एड्रेस में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मेरा ऑलरेडी वॉलेट
लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें मेरा वॉलेट एड्रेस ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वाला, और दूसरा मेरा ये वाला लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोगों का ये जो स्पेस होगा वॉलेट एड्रेस वाला, ये ब्लैंक होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो ब्लैंक होगा उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एरो दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सचेंजों पे जहाँ जहाँ हमारा कॉइन रजिस्टर्ड है उनके एक्सचेंजों के नाम लिख के आ जाएंगे। तो आप जो फर्स्ट वाले एड्रेस के, इसमें हम दो एक्सचेंजों का कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला हम जो हमने फर्स्ट में किया होगा, हमारा जो फर्स्ट जिस एक्सचेंज का हमने एड्रेस डाला होगा, हमारा कॉइन विड्रॉल होके उसी एक्सचेंज के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहला रख रखा है ट्रेडबिट। तो आप लोगों को अगर ट्रेडबिट की आईडी बनाई है तो आपको भी ये ट्रेडबिट के ऊपर ऐसे ही सेम क्लिक करना है। तो ट्रेडबिट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे जो ये आपका ये दिख रहा है एड्रेस वाला, वॉलेट एड्रेस वाला, पहली आईडी का जो प्राइमरी वॉलेट है इसका, ये आपका ब्लैंक दिखेगा। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपने लॉन्ग प्रेस करके, जैसे मेरे पास अभी ये है, इसको पुराने वाला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिलीट कर दिया। तो इसको हमने क्या करना, वहाँ से जो लिया था उसको लॉन्ग प्रेस करके हमने पेस्ट कर देना। सॉरी ये तो हाँ वो बैक हो गया अभी वो, तो जो भी अभी समझ गए आप, जो मैं वहाँ से आप लोगों ने वहाँ से वो डाला था, एड्रेस डाला था, तो उसको आपने वहाँ से लेना है, पेस्ट करना है, और उसको वहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन उस दौरान जैसे मैंने बीच में अभी गूगल ऑथेंटिकेटर नंबर उनको पेस्ट करके डाला, तो आप लोगों ने पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पेस्ट करके जैसा भी मेरे साथ हुआ है सेम वैसी कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि पेस्ट करोगे तो जो पुराना आपने पेस्ट कर रखा होगा वो फिर लैप्स हो जाएगा, जो आपने एड्रेस पेस्ट कर रखा, कॉपी कर रखा होगा वहाँ से, वो यहाँ से लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी दोबारा आप गूगल ऑथेंटिकेटर कोड लगाओगे या फिर मेल कोड लगाओगे, उनको कॉपी नहीं करना, उनको आपने मैनुअली लिख के आपने लगाना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो आपने कॉपी वहाँ से वॉलेट एड्रेस किया, कॉपी किया था, उसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट करना है। तो जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट करोगे तो आपके पास इस प्रकार का ये बना हुआ ऐसे यहाँ पे एड्रेस ऊपर वाले जिसमें आईडी में लग जाएगा, सेम ऐसा एड्रेस आपके इस वाली इसमें, सॉरी इसमें इसमें, ठीक है, इसमें आपके लग जाएगा। तो इसको लगने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसको लगाने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट वॉलेट, नीचे आप देख सकते हैं अपडेट वॉलेट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वो, अभी मेरे में प्राइमरी एड्रेस इसमें है नहीं ट्रेडबिट का, वो मेरा डिलीट हो गया, तो इस वजह से अभी ये दिक्कत आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप यहाँ पे इसको वॉलेट को अपडेट करोगे तो आपका जो वॉलेट है, वॉलेट एड्रेस है ट्रेडबिट का, वो इसका मतलब सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि योर वॉलेट हैज़ बिन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ पे आपका जो एक्सचेंज ट्रेडबिट का एक्सचेंज का जो आपका वो था वॉलेट एड्रेस था, वो यहाँ पे लग गया। तो उसके बाद आप जब भी विड्रॉल लगाओगे, अपने कॉइन का विड्रॉल लगाओगे, तो आपका कॉइन का विड्रॉल विद इन 48 आवर्स या 4 दिन में, 3 दिन में, या जो भी है वो उतने दिन में आपका यहाँ से प्रोसेस होके फिर 2-3 दिन वो पेंडिंग दिखाएगा। लेकिन जैसे प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पेड दिखाएगा फिर वो, और पेड दिखाने के बाद वहाँ पर आपको वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपकी ट्रेडबिट आईडी में। अभी ट्रेडबिट आईडी में वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, उसको फिर आपने स्टेकिंग में लगाना है या ट्रेड करना है, बेचने हैं अपने या वहाँ पे होल्ड रखने हैं, वो कहाँ शो होंगे, उसका मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि जो हमारा स्टेकिंग कैसे लगाते हैं, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं और स्टेकिंग कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर मैं अगला नेक्स्ट वीडियो अलग से बताऊँगा और डिटेल में उसको आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक की कार्रवाई आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, और फिर भी किसी भाई को या किसी फ्रेंड्स को कोई मेरे दिक्कत आती है, कहीं समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, और देखने के बाद ये कार्रवाई अपने अपनी आईडी पे करें। और फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं मेरे को, या फिर मेरे फ़ोन नंबर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से कॉल करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरा कोई भी दोस्त है, कोई भी फ्रेंड है मेरा, मैं कभी उसको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से पक्की कार्रवाई कराऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो
तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।